दुर्गा माते की जय। प्राचीन भारतीय संस्कृति में हमेशा ही नारी का स्थान उच्च माना जाता है और इन नवरात्रि के दौरान भी नवरात्रि के आठवें दिन कुमारी कन्याओं की पूजा की जाती है। इसमें इन कन्याओं के पैर धोए जाते हैं, उन्हें नए नए उपहार दिए जाते हैं और इन कन्याओं में देवी के नौ रूप की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है, नवरात्रियों के दिन हम लोग चप्पल पहने बिना माँ की आराधना तो करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में ये करते हैं? हम लोग देखते हैं समाज में हमारे आजू बाजू में बहुत सारे नारियों के ऊपर अन्याय होता है। नारी अगर माँ है तो वो बहन है, पत्नी है, बेटी है, हमारी अच्छी दोस्त भी है। अपने हमें सपोर्ट करने के लिए नारी हमेशा हमारे आगे रहती है, हमारे पीछे भी उतनी सक्षम वे से वो खड़ी भी रहती है। तो इस नारी का सम्मान करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए आज से हम लोग सब प्रण लें कि वो नारी चाहे किसी की भी बहन हो, बेटी हो, बीबी हो, लेकिन अगर उसका कहीं पे अपमान हो रहा है तो हम लोग उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनके पीछे खड़े रहेंगे। तो ही माँ की, माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनती रहेगी और ये नवरात्रि के पावन मौके पे हम लोग जो पूजन कर रहे हैं वो माँ के चरणों में लीन हो जाएगी और माँ की हमें प्रसन्नता मिलेगी। धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे नए सिख के साथ अगले वीडियो में।